बढ़ते हैं अगले अवार्ड की तरफ। अगला अवार्ड है, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो हेलो, आवाज तो आ रही है लेकिन आप है कहाँ? मैं यहाँ हूँ कपिल, हाय। अरे हाउ आर यू हैदर? वेरी गुड वेरी गुड। माइक ऑन रह गया शायद। हाँ, अरे अरे मेरा माइक ऑफ कर दो यार, किसने ऑन कर दिया पता नहीं। प्लीज स्विच ऑफ माय माइक। माइक लगा के क्यों आते हैं? मैं एक्चुअली ऐसे अवार्ड शोज में मैं माइक लगा के ही आता हूँ। वैसे ये क्या बात हुई, आप कहीं होस्टिंग के इरादे से तो? अरे नहीं यार, ऐसा चांस ही नहीं मैं होस्ट करूंगा। मैं तो बिल्कुल होस्टिंग के इरादे से नहीं आया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लेडीज जेंटलमैन, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द वन एंड ओनली कपिल शर्मा। कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मतलब मैं एक बात नहीं समझ में आया जी, कि आप एक तो माइक लगा के आए, ऊपर से आके सीधे सेंटर स्टेज पे आ गए, ऐसे हाँ। क्यों? क्या है कपिल की, देखो क्योंकि मैं काफी सारे शोज होस्ट कर चुका हूँ और ये तुम्हारा पहला बार है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें तुम अभी भी इंप्रूव कर सकते हो। लाइक तुमने एक सवाल पूछा कि मैं सेंटर स्टेज में क्यों आया। हाँ, क्यों आया? क्या है कि सबसे अच्छी लाइटिंग सेंटर स्टेज में होती है। अच्छा, मेन कैमरा क्लोजअप वाला सेंटर स्टेज में होता है। ओके, और जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं वो सेंटर स्टेज के सामने बैठी होती हैं, तुम पता नहीं वहां किन लोगों से बात कर रहे हो इतनी देर से। मैं आपको इसलिए नीचे बैठे रहने के लिए बोल रहा था हाँ। क्योंकि नीचे जो है वो माहौल अच्छा, ऊपर थोड़ी गर्मी ज्यादा है। हाँ, लेकिन मुझे गर्मी बहुत अच्छी लगती है। लव गर्मी, आई जस्ट लव इट, इट्स माय फेवरेट थिंग। गर्मी अच्छी लगती है तो हैदर श्रीनगर में क्यों की थी, केरला में कर लेते। बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। क्या हुआ, जब मैंने हैदर की, हम सबको ठंड लग गई, हमारी टांगे 2 महीने तक हिल विल नहीं रही थी, तो मुझे डॉक्टर ने कहा है अच्छा। कि मेरी अच्छी सेहत के लिए 6-8 महीने मुझे गर्म जगह में रहना चाहिए, तो इसलिए मैं स्टेज के ऊपर आ गया, और कोई वजह नहीं थी। ओके, चलो ये अच्छा हुआ शाहिद आप आ गए। आपने इतने सारे अवार्ड फंक्शन होस्ट किए हैं जी, इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं आप जी। मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ, इस साल तो नहीं, इस साल तो नहीं, पर अगले साल ऐसे जैसे मेरी भी फिल्म आ रही है। आपकी फिल्म आ रही है, मतलब मैंने कमाल का काम किया उसमें। ओह माय गॉड। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर इन केस मुझे अवार्ड मिलता है जी, तो ये थैंक यू स्पीच कैसे देनी होती है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। अच्छा, तो सबसे पहले आप स्टेज पर आएंगे। ओके, और उसके बाद लेफ्ट हाथ से आपको माइक अपनी तरफ खींचना है। ओके, और राइट वाला कहाँ है? राइट वाला तो अवार्ड पकड़े हुए है ना। अच्छा, अवार्ड मिलने के बाद की बात। ओके, तो आप लेफ्ट माइक को अंदर लेंगे और उसके बाद ऐसे गला साफ कीजिए, बेस लाइए अपनी आवाज में, एंड देन से थैंक यू लेडीज जेंटलमैन, इट्स रियली रियली फैंटास्टिक टू बी हियर इन द मिडल ऑफ ऑल यू पीपल। उसके बाद अंग्रेजी में नहीं बोलना, क्योंकि अंग्रेजी ज्यादा बोलोगे तो वो एडिट हो जाता है। Okay. उसके बाद हिंदी में बोलेंगे कि मैं शुक्रगुजार हूं अपने सारे को एक्टर्स का, मैं शुक्रगुजार हूं कश्मीर के लोगों का, मैं शुक्रगुजार हूं ऑडियंस का, और सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया करना चाहता हूं अपने डायरेक्टर विशाल भारद्वाज का। नहीं, लेकिन मेरे वाले तो अब्बास मस्तान है ना। हाँ, लेकिन क्या है, मैं तो थैंक यू स्पीच देकर आया हूं, तो अब अपॉर्चुनिटी मिली है तो यहाँ स्पीच बोल देता हूँ, अवार्ड मिले ना मिले क्या पता, स्पीच तो बोल देनी चाहिए। मतलब अपना अपना देखो, अपना अपना देखो। मतलब काफी सारी चीजें हैं जो अभी सीखनी बाकी हैं जी। काफी काफी, ओवर टू यू, आप करिए जो भी करना चाहते हैं, मैं तो पीछे बैठ के देख रहा हूँ। सेंटर पे मैं खड़ा हूँ, सेंटर पे आप बैक स्टेज में, मैं पक्का देख के, शायद के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए।